एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे रूखी त्वचा के लिए क्या खाना चाहिए। वैसे इस टॉपिक पर YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, लेकिन मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, इसलिए वीडियो बना डाला। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे त्वचा रूखी और बेजान होने के अनुकूल कारण है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में त्वचा अधिक प्रभावित होती है। दरअसल में जब मौसम बहुत अधिक ठंडा या गर्म होता है तब त्वचा में नमी की कमी होने लगती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। लेकिन इस दौरान अगर आप लोग अपनी खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं तो इससे आपकी स्किन फिर से सॉफ्ट और चमकदार बन जाएगी। चलिए उन आहारों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, शकरकंद। शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, बायोटीन, कॉपर, फाइबर और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। शकरकंद में मौजूद बीटा कैरोटीन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को रूखेपन से बचाता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा आँखों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर दो, गाजर। गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोतों में से एक है। बीटा कैरोटीन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और सनबर्न के खतरे को कम करता है, इसलिए अगर आप गाजर का सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा सुंदर और चमकदार होगी। नंबर तीन, अंडा। अंडा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा थ्री फैटी एसिड, ओमेगा सिक्स फैटी एसिड, सल्फर और ल्यूटीन से समृद्ध होता है। अंडे में मौजूद सल्फर और ल्यूटीन त्वचा में नमी और लोच बनाए रखने में मदद करते हैं। अंडे को जर्दी समेत खाना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले वसा और विटामिन त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नंबर चार, दूध। सर्दियों में रोजाना एक गिलास गुनगुने दूध का सेवन करना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा, साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होगा। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन और वसा त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। नंबर पाँच, मछली। स्वस्थ त्वचा के लिए आपको मछलियों का सेवन करना चाहिए। मछलियों में पाया जाने वाला ओमेगा थ्री फैटी एसिड त्वचा को मुलायम, पोषित और निखरी हुई बनाता है। आपको ऐसी मछलियों का सेवन करना चाहिए जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड अधिक मात्रा में मौजूद हो, जैसे टूना, हेरिंग, सालमन आदि मछलियों का सेवन करें।